अर्चना जी, गोविंदा जी की कॉपी करना बहुत मुश्किल है. बिल्कुल. सलूट है कृष्णा को जिसने सारी उम्र उनकी कॉपी करके खाया यार. नहीं होती. अरे रणवीर जी, मजा आ गया आपको देखे. संजीव जी, क्या बात है सर. सर अब बैठिए ना सर. इतनी इज्जत नहीं मेरी इधर. अरे सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं सही हूँ. क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ मैं सही हूँ. 50% ठीक है. जैसे सर आप टीवी पे पकाते हैं ना, ये भी टीवी पे पकाते हैं. बिल्कुल हमारा काम. देखो जी, बहुत कम लोगों की किस्मत होती है टीवी पे पका के खजाना बनाना. सर ऐसी बात है कि मैं पकाता हूँ लेकिन इसमें मैं शर्माता नहीं. जैसे आपने रिकॉर्ड बनाया था ना 950 किलो खिचड़ी बना के, मैंने 1000 किलो खिचड़ी बना के रिकॉर्ड बनाया. कपिल बता दे. बिल्कुल 1000 किलो बनाई तब जाके एक कटोरी सही निकली. वो भी इन्होंने कहा है कि सही निकली. कोई ढंग का काम क्यों नहीं करते, चार पैसे आए घर में. सर देखो पैसा क्या है, पैसा तो आना जाना है. पैसा तो आज संजीव जी के पास है तो कल फिर इनके पास ही रहना है. मेरे को तो इन्होंने देना नहीं. पैसा तो कपिल हाथ की मैल है, मैं तेरे को बताऊं. और इन्होंने जब से ये कहावत सुनी ना पैसा हाथ की मैल होती है, ये पैरों पे चलते नहीं, हाथों पे चलना शुरू कर दिया ताकि मैल लगे. अच्छा जूते इनके नए हैं, हाथ इनके घिस गए हैं. अरे देखो ये स्ट्रगल करनी पड़ती है. अब अंबानी साहब ऐसे नहीं मेयर हो गए, क्या थे, पेट्रोल पंप पे काम करते थे, आज देखो कहाँ है. टाटा साहब नमक बेचते थे, आज देखो कहाँ है. और छोड़ो अपना प्रमोद लगा लो, पंचर लगाता था, आज देखो कहाँ है. वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ है, मैंने पंचर लगाया है किधर यार, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको. यही फालतू की बातें करने आए यहाँ पे. मेरी बेइज्जती करता रहता है कि ये बातें करने आए हो. जो पहले बंदे आए थे वो क्या देश का बजट यहाँ पे डिसाइड करने आए थे. वो भी ऐसी बातें करके आए थे. एक्चुअली सर मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, जो मेन बात है उसके लिए थोड़ा सा डिस्कस कर लें. कल को हमने मिलना है, इकट्ठे जाया करेंगे ऐसे ही हम लोग. तो थोड़ा अभी से हम बना रहे हैं. पहला टिप मैं आपको एक टिप दूं, रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया छोड़ दो. अच्छा खुद ही तरक्की करो, दूसरा ना करे. आपने पहले कभी खाना बनाया जो रेस्टोरेंट खोलोगे आप. सर क्या बात करो, आधी इंडस्ट्री में मैं काम कर चुका हूँ, ये खाना बना चुका हूँ. हमारे लेजेंड आर्टिस्ट राखी जी के वहाँ पे मैंने खाना बनाया 3 साल. लेकिन वहाँ पे ना रोज 2 लोगों का खाना वहां पे वेस्ट हो जाता था, इसलिए मैंने छोड़ दिया. करण अर्जुन का मेरे करण अर्जुन आएंगे. मैं 2 लोगों का खाना बनाता था, खाना बच जाता था, वो खाते नहीं थे, तो मेरा डायलॉग इन्होंने खराब कर दिया. फिर मैं मीका जी के घर चला गया. मैं पहले दिन ही नौकरी छोड़ दी. क्यों? वो आते कहते आज की पार्टी मेरी तरफ से. मैं यहाँ तो रोज बंदे आने, पार्टियां होने आने, ना ना कितना खाना बनना. फिर अर्चना जी घर पे मैंने नौकरी की रिलीफ, वहां पे बिल्कुल काम नहीं, खाना गर्म ही करना है, उठा उठा के पता नहीं कहां से ले आती थी. देखो ये खाना वाना छोड़ो, आप वो करो जो आपको आता है. देखो ये गाना सुनेगा, इसको गाने का बड़ा शौक है कि मैं गाना गाऊं. आप कहां से सिंगर हैं? पैरों से. पैरों से मतलब? मैं जब तक किसी के पैर नहीं पकड़ लेता ना सर, मेरा गाना नहीं सुनते. बड़ी दिक्कत आ रही है मेरे. ये है मतलब थोड़ा सा. अभी अभी खाने की बातें कर रहे थे, अभी गाने की बातें करने लग गए. ये तो इनका करैक्टर है यार. गाना और खाना ये सेम होता है, थोड़ा ही फर्क होता है, बाकी सब सेम ही होता है. देखो जैसे गाने में अंतरा होता है, खाने में संतरा होता है. संतरा अंतरा सेम कैसे हो गए? मैंने कहा ना थोड़ा ही फर्क होता है. और साका. हाँ इसको यकीन नहीं है, मैं आपको गा के बताता हूँ. हेलो गोभी टिंडे करेला पनीर पा मसाला पा पा तड़का लो अरे साहब नमस्ते. अरे साहब साहब थोड़ा ऊंचा गाओ ना साहब, ताकि मेरी चाय गर्म हो जाए. मेरे गाने से चाय कैसे गर्म हो जाएगी? अरे आपके गाने से दिमाग गर्म हो जाता है साहब. कमाल करते, चाय तो गर्म होगी नहीं. नमस्ते साहब. नमस्ते. मैं राजू चाय वाला साहब, मेरे इधर चाय का दुकान है. हाँ सर आप जूस लेंगे? अरे बोल रहे हो चाय चाय और पिलाएगा जूस, कितना झूठा ये. तो आपने भी तो बोला था इधर आके मैं कॉमेडी करूंगा, किया क्या? आप भी तो गाना गाते हो ना साहब. अरे कपिल से कैसे साहब? एकदम बढ़िया. अरे साहब
Please, ये चाचा जी को अपने बुलाया करो साहब इधर. क्यों? इनकी वजह से मेरी चाय की दुकान बहुत चल रही है. अरे थैंक यू सो मच. पर मेरे आने से कैसे चलती है? जब इनका एक्ट आता है ना, सब लोग पीछे चाय पीने आ जाते हैं. बहुत अच्छा लगता है साहब. ये ऐसे ही है, ये अपना अगला आपस में मजाक चलता है. इनका मजाक आपस में ही चलता है, हम लोगों का मजाक पूरी दुनिया में चलता है. आई सर इधर. ओ हेलो सर, ये इधर आ, इधर आ. एक जो तेरा काम है ना, तू वो कर, चाय बना. कितना पैसा दोगे साहब पहले बताओ मेरे को. पैसे नहीं, मैं गाना सुना दूंगा. गाने के मैं ज्यादा पैसे लूंगा. मेरे को डराना नहीं, चाय भले फ्री में पी लो, गाना वाना नहीं. यार कपिल, ये बेइज्जती करवाना है मेरे को, बुलाया यार. हाँ. मैं चल. हाँ? नहीं मतलब, अरे आपको गुस्सा कर गए सर. कौन सर, बहुत होगी मेरी. तू मेरे को थप्पड़ मार लेता मैं बर्दाश्त करता हूँ. मेरे को बेइज्जती है गाने की मेरी, मैं बर्दाश्त नहीं. अगर इनके खाने की बेइज्जती करोगे आप, बर्दाश्त करोगे? बेइज्जती नहीं कर रहे साहब, बेइज्जती ऐसे थोड़ी कर रहे यार. ऐसी बात नहीं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते साहब. एक बार लेरी साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए साहब. बहुत मेहनत किया है आदमी ने, ऐसी बात नहीं है साहब. हम लोग मजाक करते हैं, लेकिन आदमी का स्ट्रगल एक रहता है लाइफ में. बहुत स्ट्रगल किया आदमी ने साहब. पैसा नहीं था मालूम है संजीव जी, लंगूरों के मुंह से केला छीन छीन के आदमी ने खा लिया है साहब. छोड़ो. नहीं नहीं साहब, नहीं साहब, बताना बहुत जरूरी है. स्ट्रगल टाइम में किसी ने आदमी को बोल दिया, बंदर हमारे पूर्वज है. ये जाके बंदर से लड़ने लगे मालूम है. कहते तुमने हमारे लिए किया क्या है. नहीं साहब, पुरानी बातें छोड़ो ना. नहीं साहब, आपके बारे में बताना जरूरी है. ऐसे नहीं खड़ा है. अरे जो आदमी पंजाब से बिना गद्दी की साइकिल पे बैठ के बंबई आएगा, वो किधर बैठ सकता है. छोड़ो ना. नहीं साहब, छोड़ो, पुरानी बातें होगी जो हो गया. नहीं साहब, बताना आपका स्ट्रगल बता रहा हूँ साहब. कितना मेहनत करके आए, भिखारी टाइप आदमी थे लोग. छोड़ो. नहीं साहब, बताना जरूरी है. अर्चना जी इनके घर पे टॉयलेट नहीं था मालूम है. कुत्ते के कपड़े पहन के खंभे पे जाते थे ये लोग. छोड़ो पुरानी बात. नहीं नहीं, बताना जरूरी है आपके बारे में. अरे पैसे का रिस्क लेना कोई आदमी से सीखे. साहब नवाबों के घर पे घुंघरू पहन के नाचा ही आदमी पैसे. अरे For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.